आओ बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 78 करेंगे, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। ये आपका चैप्टर 15 है और इसमें पहले हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, उसके बाद इंग्लिश में होगा। अब आता है कि हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती रहती हैं जो पर्यावरण को लगातार प्रभावित करती हैं, और पर्यावरण हमारा अभिन्न अंग है। अगर इस पर्यावरण में कोई परिवर्तन आता है तो हमारी गतिविधियाँ हमारे आसपास के वातावरण को बदल देती हैं और हमारा जीवन भी प्रभावित होता है। जैसे मानव की जो गतिविधियाँ, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई, लगातार करते जा रहे हैं वन, तो उससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे ओजोन परत का क्षरण होना, मतलब ओजोन परत के अंदर एक होल, एक छेद होता जा रहा है, और अपशिष्ट पदार्थ को निपटान करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उसका निपटारण कम हो रहा है, इससे वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ओजोन परत होती क्या है? ओजोन परत पृथ्वी के चारों एक सुरक्षा कवच है। जैसे ये दिख रही है आपको, ये ओजोन परत है जो सुरक्षा करती है पूरी पृथ्वी का। अंदर जो ग्रीन और ब्लू पार्ट है, ये पृथ्वी है। जो सूर्य के अंदर दो तरह की किरणें होती हैं, एक पराबैंगनी की विकिरणें होती हैं और एक इंफ्रारेड होती है। तो ये ओजोन के अंदर आपको जो ये होल दिख रहा है इसके अंदर, तो होल के कारण, इसके अंदर जो होल है वो ओजोन के अंदर जो सूर्य का प्रकाश है उसकी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और ये जितने भी जीवित प्राणी पृथ्वी पर रहते हैं उनमें कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ाती है। ओजोन परत वायुमंडल के उच्च स्तर पर मौजूद होती है, जहाँ पर संताप मंडल भी, जिसको हम कहते हैं। अब आता है ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। ओजोन जो अणु होते हैं वो ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बने हैं, जिसका फार्मूला होता है O3। जब ऊर्जा विकिरित होती है, यूवी रेडिएशंस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के ऊपर गिरते हैं, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, और उसमें जो मुक्त ऑक्सीजन है वो O2 के साथ कंबाइन, O2 है, O+O में टूट जाता है, और फिर जो मुक्त ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के अणुओं के साथ मिलकर ओजोन परत का निर्माण करती है। तो इस तरह से एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। लेकिन ओजोन परत का क्षय का कारण क्या है, क्यों उसके अंदर होल हुआ? जो CFC है, सबसे बड़ा रीजन CFC है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ऐसे कुछ संश्लेषित रसायन है जिनका अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में, AC में किया जाता है। तो ये ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण है। दूसरा, जो UNEP है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, उसने सभी देशों द्वारा 1986 के स्तर पर क्योटो प्रोटोकॉल बनाया था, जिसमें CFC उत्पादन को फ्रीज करने के लिए एक समझौता किया था और सफलता प्राप्त की थी कि सभी ने उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी थी। अब सभी निर्माता युक्त जितनी भी कंपनियां दुनिया भर के अंदर होती हैं, जो रेफ्रिजरेटर बनाती हैं या AC बनाती हैं, वो CFC युक्त उनके लिए ज़रूरी है बनाना, ताकि ओजोन के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो। अब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है। इन क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको करके आप अपनी नोटबुक में करेंगे और चेक करेंगे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज 78 फॉर द क्लास 10th, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 15, आर इन्वायरमेंट। हाउ डू आर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट? वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, एंड द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस, एंड आर एक्टिविटीज चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस। Human activities lead to pollution or deforestation, and these are the two major problems which are the causes of depletion of ozone layer and the waste disposal. And in this worksheet we will discuss about ozone layer. What is ozone layer? This layer, yellow color layer, is the protective layer around the earth. This is earth, and when the almost ultraviolet radiations of the sunlight, it was absorbed by the ओजोन लेयर एंड प्रोटेक्टिंग द लिविंग बींग्स फ्रॉम मैनी हेल्थ हैजर्ड्स लाइक स्किन कैंसर। बट इट हैज़ होल्स, ऑल द पैराबैंगनी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, दे विल कम इन टू द ऑन द अर्थ एंड दे ऑल्सो कोज द ह्यूमन बींग और अदर एनिमल्स फ्रॉम द स्किन कैंसर। एंड ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट द हायर लेवल ऑफ एटमोसफियर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। नाउ हाउ ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड? फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन लेयर और ओजोन मोलिक्यूल, the formula of the ozone molecule is O3. Then the high energy UV radiations breaks the O2 molecules into simple oxygen, free oxygen atoms, and these oxygen atoms combine with the oxygen molecule, they form the ozone layer, and this is the uppermost layer of the atmosphere, that is called stratosphere. Now what are the causes of depletion of ozone layer? The excessive use of synthetic chemicals like CFC, which is used in refrigerator and AC, caused depletion of ozone layer. United Nations Environmental Program succeeded in forging an agreement to freeze the CFC production in 1986 level,
एंड दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड क्योटो प्रोटोकॉल बाई ऑल द कंट्रीज. नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. नाउ चेक योर अंडरस्टैंडिंग बाई डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन एंड राइट डाउन इन द नोटबुक्स. कीप वॉचिंग सुपर विज्ञान. थैंक यू सो मच.